सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदार खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश का जिक्र कर कहा कि पहले दो राज्यों ने किया, अब दो और राज्य ऐसा फैसला करने जा रहे हैं। नगर पालिका की जगह पुलिस कार्रवाई कर रही है, अल्पसंख्यक और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। वकील ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश पढ़ा और इस पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने पूछा कि आदेश है या प्रेस रिलीज। वकील ने कहा कि मैं प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गई, इसलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है। आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है? इस पर जज ने कहा कि इसमें तो स्वैच्छिक लिखा है। इस पर दूसरे याचिकाकर्ता मौआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य है। वकील सी यू सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। ये हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है। इस पर सिंघवी ने कहा कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री खत्म। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए, आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया होगा। सिंघवी ने कहा कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब इन यात्रियों के काम आते रहे हैं, आप शुद्ध शाकाहारी लिखने पर जोर दे सकते हैं, दुकानदार के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है, छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते। सी यू सिंह ने कहा कि देखिए, उज्जैन में भी प्रशासन ने दुकानदारों के लिए ऐसा निर्देश जारी कर दिया है। जस्टिस राय ने कहा कि क्या कांवड़िया इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का ही उपजाया हुआ हो। इस पर सिंघवी ने कहा कि यही हमारी दलील है। तो आज योगी सरकार को ये बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है, क्योंकि योगी सरकार ने जब से ये आदेश जारी किया है कि हर खाने की दुकान, फल ठेले वाले, रेस्टोरेंट्स, इन पर अब दुकान वाले का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद से ही इस पर सियासत शुरू हो गई थी। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा था, और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, एनडीए के सहयोगी दल भी कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ ही थे, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी सामने आ रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अब आदेश जारी कर दिया है कि दुकानदारों को अब नाम लिखने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी गई है, यानी कि अब दुकानदार को अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि खाने का प्रकार दुकानदार लिख सकते हैं।